तो हे गाइस नमस्ते के हम छो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सट्रीम 160 का रिव्यू। तो दो मॉडल में अवेलेबल है, एक एक्सट्रीम 160 आता है और दूसरा आता है एक्सट्रीम 200। तो आज हम लोग एक्सट्रीम 160 का रिव्यू करने वाले हैं। तो हमारे पास ये ब्लू कलर का मॉडल अवेलेबल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ फ्रंट से। तो फ्रंट काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी माचो लुक आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट हेडलैम्प की अगर हम बात करें तो फ्रंट हेडलैम्प आपको पूरा LED का ही मिलने वाला है। तो जो DRL से वो भी LED है और जो मेन हेडलैम्प है वो भी आपको LED में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऊपर आपको हीरो का लोगो देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार आपको चालू करके दिखा देता हूँ हेडलैम्प। आप देख सकते हो कि ये DRL है, जो दोनों तरफ ये छोटा छोटा दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो आईब्रोस है वो काफ़ी डार्क है और यहाँ पर भी एक छोटा सा लाइट है और यहाँ पर भी है। तो फ्रंट हेडलैम्प काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी माचो लुक, मस्कुलर लुक लग रहा है यहाँ पर बाइक का। जो साइड लाइट टर्न इंडिकेशन है वो भी आपको LED में ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ जो भी यहाँ पर सिस्टम लाइट्स का दिया हुआ है पूरा LED में ही दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आप देखिए यहाँ से लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है बाइक का। तो यहाँ पे शुरुआत करते हुए तो फ्रंट सस्पेंशन आपको इसमें टेलीस्कोपिक देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ट्रैवलिंग है। और यहाँ पे आपको ये बाइक दो मॉडल में अवेलेबल, एक सिंगल डिस्क में है जिसमें आपको फ्रंट व्हील में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और एक दूसरा मॉडल है जो रियर और फ्रंट दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। लेकिन ये बाइक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ ही मिलने वाली है, तो ड्यूल चैनल ABS इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इस तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्क ब्रेक, तो डिस्क ब्रेक का वगैरह का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे ABS का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रंट सस्पेंशन पे यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। तो जो मड गार्ड का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो यहाँ पे एरोडायनेमिक कट्स जैसा देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक में। तो अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो आपको 17 इंच के आपको इसमें ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है। तो आगे में भी 17 इंच के है और पीछे भी 17 इंच के आपको ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है। तो काफ़ी परफेक्ट बाइक है वैसे तो, 160cc के सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको अगर परचेस करना है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको टैकोमीटर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हो, यहाँ पे आप कितना किलोमीटर हमारा बाइक राइड हुआ है वो दिखेगा, यहाँ पे टाइम का भी दिखा रहा है और साथ में फ्यूल इंडिकेशन है वो भी आपको डिजिटली देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की पट्टी है उसमें भी आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि ABS है, न्यूट्रल का है, इंजन चेक लाइट। और दूसरा सेफ्टी फीचर्स इसमें ये है कि अगर बाइक अगर चालू कर दिया, अगर साइड स्टैंड में है तो आप साइड स्टैंड अगर मैं लगा देता हूँ, आप देखिए तो यहाँ पर भी आपको एक नोटिफिकेशन दिखाएगा, अगर साइड स्टैंड में बाइक होगा तो बाइक चलेगा नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर्स कंपनी ने दे दिया है, तो काफ़ी अच्छा है बाइक। देख सकते हो आप, काफ़ी ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो 3 कलर में अवेलेबल है, वाइट, ब्लू। तो यहाँ पर चलते हुए तो फ्यूल टैंक, तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही वाइड फ्यूल टैंक है। तो फ्यूल टैंक का शेप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक्सट्रीम 160 का लोगो जैसा भी देखने को मिल रहा है, यहाँ साइड से चलते हुए देखते हुए तो यहाँ पे आपको हीरो का लोगो देखने को मिलेगा, स्टिकर लोगो है, साथ में यहाँ पे एक्सट्रीम का स्टिकर लोगो देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इंजन की बात करूँ तो आपको सिंगल सिलेंडर 160cc का आपको इसमें इंजन देखने को मिल रहा है। तो एयर कूल्ड इंजन है और पावर आउटपुट फिगर हम जब टेस्ट राइड लेंगे तब उसका बात करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि FI इंजन है, तो हीरो में अभी FI इंजन शुरू हो चुका है, तो FI इंजन टेक्नोलॉजी के साथ पूरा ये बाइक आता है। तो चेसी वगैरह काफ़ी अच्छे, काफ़ी मजबूत बाइक लग रहा है अभी हमारा ये। और यहाँ पे चलते हुए तो साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, यहाँ पे अगर आगे के फुटपैक की बात करूँ तो रबर ग्रिप के फुटपैक आते हैं। तो आगे के फुटपैक में आपको एल्यूमिनियम के साथ रबर का ग्रिप भी देखने को मिलेगा, और पीछे के फुटपैक है उसमें आपको खाली एल्यूमिनियम का ही देखने को मिलेगा, उसमें आपको रबर ग्रिपिंग नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी वगैरह एवरेज है, ओके ओके है। और यहाँ पर साड़ी गार्ड
और पीछे के टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो पीछे के टायर्स भी आपको 17 इंच के मिलेंगे, लेकिन 130 mm के वाइड मिलेंगे, तो आपको रोड्स वगैरह पे काफ़ी अच्छा ग्रिप मिलेगा। तो ट्यूबलेस टायर कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, और साथ में यहाँ पे मड गार्ड, तो काफ़ी स्टाइलिश मड गार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अंदर एक हीरो का लोगो भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे खूबसूरत यहाँ पर टेल लैम्प, तो टेल लैम्प बहुत ही छुटकू सा लेकिन काफ़ी अच्छा, काफ़ी आई कैची लग रहा है, आप देखिए ये। और इस तरफ चलते हुए तो यहाँ पे ये है जो है सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे 160R तो स्टिकर लोगों दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रैपिंग में कलर्स आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट देखिए हीरो में ऐसा एग्जॉस्ट पहली बार देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी वाइड एग्जॉस्ट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी बाइक काफ़ी अच्छा है। तो अभी फटाफट से हम इसका टेस्ट राइड लेते हैं और इसका पावर आउटपुट, ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसी है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं सीधा रोड पे। तो फायरिंग बाइक का काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो कि अभी मैं इसका टेस्ट राइड ले रहा हूँ, तो मुझे बैठने में काफ़ी अच्छा, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। स्प्लेंडर और स्कूटर, मतलब 100cc की बाइक सेगमेंट की बाइक्स में ही ये लोग बहुत ही माहिर थे, लेकिन अभी इसमें भी ये लोग आ चुके हैं, तो 160cc की बाइक में काफ़ी अच्छी टक्कर देंगे पल्सर 150 को या फिर अपाची 160 को। तो काफ़ी अच्छी मार्केट में काफ़ी अच्छा ग्रिप बना के रखा हीरो ने। और यहाँ पर देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी माचो लुक लग रहा है आगे से, ये जो नेकेड है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप देखिए मिरर वगैरह है उसका भी काफ़ी अच्छे वाइड है मिरर्स, तो पीछे देखने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा है, काफ़ी परफेक्ट है, और वाइब्रेशन वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे स्विचेस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड के हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम करने के लिए और एक टर्न इंडिकेशन और एक हॉर्न का स्विच देखने को मिलेगा। और यहाँ पे राइट साइड में आपको पूरा बाइक ऑन ऑफ करने का, पूरा जो सेल्फ स्टार्ट का है वो देखने को मिलेगा। तो ये बाइक आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें और दो मॉडल है जिसमें आपको आगे के टायर में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, और दूसरा मॉडल है उसमें आपको पीछे के टायर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, दोनों में मतलब कि। तो ये मॉडल है और काफ़ी अच्छा, अभी तक का काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है बाइक को चलाने का, और थाई सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। और मैं जैसा बैठा हूँ ना, तो यहाँ पीछे जो सीट्स है वो कर्व दिया हुआ है, वो काफ़ी एडजस्ट कर रहा है, मेरे बैक को भी थोड़ा रेस्ट भी मिल रहा है, और बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कुशनिंग सीट का बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे अभी हम बाइक थोड़ा भगाएंगे तो ही पता चलेगा कि कैसा परफॉर्मेंस है इसका। अभी फटाफट से मैंने बाइक को चलाया हुआ है, वाव काफ़ी अच्छा, हैंडलिंग वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, तो हैंडलिंग वगैरह परफेक्ट है इस बाइक का। जहाँ मैं ऐसे कट्स वगैरह ले रहा हूँ तो ज़रा सा भी मुझे डर नहीं लग रहा है, अभी पहली ही बार मैं ये बाइक चला रहा हूँ तो भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और ये जो टैंक वगैरह का शेप है वो काफ़ी अच्छा है, आगे से बड़ा और पीछे चलते हुए छोटा हो रहा है, तो जो थाइस है उसको भी काफ़ी अच्छा ग्रिप मिल रहा है यहाँ पर टैंक के साथ, तो बहुत ही अच्छा बाइक है ये। 160 सेगमेंट में ये बहुत ही परफेक्ट बाइक है, और तहलका मचा रहा है ये मार्केट में 160 एक्सट्रीम हीरो की तरफ से जो आया हुआ है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे ये बाइक चलाने में। वैसा लग रहा है कि कोई हैवी सीसी की बाइक चला रहा हूँ, लेकिन नहीं है, फायरिंग वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे टर्निंग रेडियस में भी मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगा, क्योंकि पीछे का टायर इसका 130 mm वाइड है, तो परफेक्ट बाइक है। तो आपको एक क्या है कि अगर आप हीरो की बाइक ऐसा ही सोच रहे होगे कि ये खाली स्प्लेंडर ही बेचते हैं, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, 160cc में भी इनका मार्केट है, 200cc में भी ये अवेलेबल है। और आपको हीरो की बाइक से तो मेंटेनेंस वगैरह पता है कि एकदम लो मेंटेनेंस बाइक है, और इसके जो फुर्जे हैं मतलब कि पार्ट्स, वो कहीं पर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक और भी अच्छी बात है भाई कि 160 सेगमेंट के ये तहलका मचा रही है मार्केट में। तो ये बाइक आपको तीन कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, रेड, ब्लू और वाइट कलर में। तो यहाँ पे ब्लू कलर में चला रहा हूँ, और जरा सा भी ऐसा क्वालिटी में ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो प्लास्टिक वगैरह यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें देखने को मिल रहा है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। और जो इसे आप फायरिंग सुन सकते हो, तो देखिए एक सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, तो अभी मेरा बाइक गियर में है और अगर मैं साइड स्टैंड लगाता हूँ तो बाइक अपने आप बंद हो जाएगा, तो ये सेफ्टी फीचर्स इस बाइक में अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छी सेफ्टी में भी कंपनी ने ध्यान दिया हुआ है।
देखिए आप फायरिंग इसका सुनिए तो काफी अच्छा मुझे तो फायरिंग लगा है इसका भी। एक और बार मैं नजदीक से आपको सुनाता हूँ फायरिंग इसका, तो आप देखिए फायरिंग इसका सुनिए, फायरिंग वगैरह साउंड इसका काफी अच्छा है, जैसे मजबूत साउंड आ रहा है, अच्छा साउंड आ रहा है मतलब कि इसमें। तो ओवरऑल बाइक काफी अच्छी है, मुझे काफी अच्छी लगी चलाने में, बहुत ही परफेक्ट बाइक है। तो अगर मैं इस बाइक के प्राइसिंग की बात करूँ तो जो सिंगल डिस्क वाला बाइक है जो आपको 1,36,000 में अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आपको RTO इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूडिंग है इसमें, गांधीनगर का ऑन रोड प्राइस है। आप अगर कोई और सिटी से हो तो आपको थोड़ा प्लस माइनस रह सकता है। अगर आप ड्यूल डिस्क लेते हो मतलब कि आगे भी डिस्क ब्रेक रहेगा और पीछे भी डिस्क ब्रेक रहेगा, तो आपको 1,39,000 का, उसमें 3,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ABS तो आपको सिंगल चैनल ही मिलने वाला है। तो ये बाइक आपको FI इंजन के साथ मिल रही है, किक स्टार्ट है और सेल्फ स्टार्ट भी है, काफ़ी परफेक्ट बाइक है। 1,36,000 में आपको प्रीमियम सेगमेंट की हीरो की ये बाइक है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आज मैं आया हुआ हूँ गांधीनगर नंदा ऑटोमोबाइल, तो आप अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। अगर मेरा वीडियो आप गांधीनगर और आसपास के एरिया से देखते हो तो यहाँ पे ऑन स्टॉक सभी बाइक्स आपको अवेलेबल होगी और फाइनेंस स्कीम भी अवेलेबल है, और साथ में यहाँ पे सर्विस स्टेशन भी आपको अवेलेबल है, तो आप आ सकते हो। यहाँ पे कोई भी बाइक आपको परचेस करनी हो तो आप परचेस कर सकते हो यहाँ पे आपके, लेकिन आ सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको रहेगा। यहाँ पे शोरूम का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा है और जो यहाँ पे सेल्स पर्सन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको एक परफेक्ट रहेगा कि आपको स्कूटी लेना है, बाइक लेना है कि क्या लेना है, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही बड़ा गोडाउन भी है, तो आप आ सकते हो। हीरो नंदा ऑटोमोबाइल थम्सअप। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ में ही प्यार बरसाते रहे इसी तरह से। तो हीरो अपना इंडियन ब्रांड है, तो नेक्स्ट टाइम अपने एक्सट्रीम 200 का वीडियो बनाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी स्पोर्टी है। तो चलिए मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।